अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फैज मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। दोस्तों, परेशानियां, दुख, दर्द, मुसीबतें जब इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं तो इंसान छोटी सी उम्र में ही बूढ़ा लगना शुरू हो जाता है। जब हर तरफ से परेशानियां घेर लें तो इंसान बहुत जल्द बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि आजकल हालात ही ऐसे हो चुके हैं कि हर बंदा किसी न किसी परेशानी और मुसीबत में नज़र आता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसान ने अपनी ख्वाहिशों को बढ़ा दिया है। जो ज़रूरतें थीं वो ख्वाहिशात में बदल चुकी हैं, और जब इंसान ख्वाहिशों के पीछे चल पड़े तो फिर अपनी सेहत को नहीं देखता, अपनी उम्र को नहीं देखता। उसकी कोशिश होती है कि बस अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूँ, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर लूँ। तो जब इंसान ऐसी कंडीशन में आ जाता है, उसे अपनी सेहत का ख्याल ना होना शुरू हो जाता है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, वो बहुत जल्द बूढ़ा दिखाई देने लगता है। आजकल आप लोग देख लें, 35 से 40 साल की उम्र में लोग ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे 70 से 80 साल के हों। अगर आप कुछ वक्त पीछे चले जाएं, कुछ टाइम पीछे चले जाएं, तो लोगों की सेहत बहुत अच्छी थी। लोग 70, 80 साल की उम्र में जवान नज़र आते थे, अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। लेकिन आजकल ऐसी खुराकें आ चुकी हैं, ऐसे खाने आ चुके हैं कि जिन्होंने इंसान की सेहत को ख़राब करके रख दिया है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दुआ के बारे में बताने वाला हूं। इसको अगर आप हमारे बताए गए तरीके से पढ़ लेंगे तो अल्लाह पाक के फजल करम से आप बुढ़ापे से महफूज रहेंगे और अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप 60, 70, 80 साल की उम्र में भी जवान नज़र आएँ, यंग नज़र आएँ, तो इस वक्त जो दुआ आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये बहुत ही छोटी सी दुआ है। आपने इस दुआ को पढ़ लेना है। और कब पढ़ना है कि जब भी आप खाना खाने लगें तो खाना खाने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने 11 मरतबा इस दुआ को पढ़ लेना है। सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या शाम का खाना हो, आपने इस दुआ को 11 मरतबा पढ़ लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से आप बुढ़ापे के शर से महफूज रहेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा। और इसके साथ साथ एक बहुत अहम बात कि परेशानियों को, दुख दर्द मुसीबतों को भूल जाएं, रिलैक्स होकर खुश होकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर खुश होकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह बुढ़ापा आपके करीब भी नहीं आएगा। दोस्तों, होना वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि परेशान तो हर बंदा होता है, मुसीबतें, दुख, दर्द तो हर इंसान की ज़िंदगी में आते रहते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर हम सब कुछ अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देंगे कि वही है जो हमारे लिए बेहतर फ़ैसले करता है, और अपनी ख्वाहिशों को कम कर देंगे, तो यकीन करें कि आप बहुत खुश होकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और जब खुश होकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप जवान रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे, और बुढ़ापा भी आपके करीब नहीं आएगा। आप लोगों ने बहुत से लोगों को देखा होगा जो 60, 70, 80 साल की उम्र में होते हैं। खासकर बाहर के मुल्कों में जो लोग होते हैं वो इतनी इतनी उम्र होने के बावजूद भी जवान नज़र आते हैं, जवान दिखाई देते हैं। उसकी वजह यही है, आपको अपने अपने इलाके में, दूसरे इलाके में जहाँ कहीं कोई ज़्यादा उम्र होने के बावजूद जवान दिखाई देता है, जवान नज़र आता है, तो उसकी वजह यही है कि उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि परेशानी इंसान को अंदर से खा जाती है, तो जब इंसान अंदर से खोखला हो जाता है तो उसे बीमारियां लग जाती हैं और वो बहुत जल्द बुढ़ापे में चला जाता है। इसलिए सब कुछ अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें, खुश रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आजकल सेहत से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं। तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, अगर सेहत है तो सब कुछ है, अगर सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप लाखों करोड़ों अरबों रुपये के मालिक भी हैं और अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं और आप बीमारियों में मुब्तिला हैं तो उन लाखों करोड़ रुपए का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमें बुढ़ापे के शर से महफूज रखे। हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह।
हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं, तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें।